टीवी के कंट्रोवर्शियल शो से कल हितेन तेजवानी हो गए हैं घर से बेघर। और घर से बाहर आते ही हितेन तेजवानी ने सीधे सीधे निशाना साधा है सबसे पहले तो हिना पर। आपको बता दें कि हितेन ने हिना को लेकर एक स्टेटमेंट दी है जहां पर हितेन ने हिना को फेक कहा है। यूं तो घर के बाहर भी हिना को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी ट्रॉल्स आते रहते हैं और सभी उनको फेक कहते हैं, लेकिन अब हितेन तेजवानी जो खुद टीवी इंडस्ट्री से हैं और घर से बेघर हो गए हैं तो उन्होंने हिना के बारे में कुछ ऐसा कहा जिससे पूरी टीवी इंडस्ट्री हैरान रह गई। साथ ही हितेन ने ये भी कहा है कि हिना घर में गंदा गेम खेल रही हैं और घर के बाहर आकर उनको हिना के द्वारा कही गई कुछ बातें भी पता चली हैं, जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि अगर हिना ने ऐसा कहा है तो हिना का टीवी इंडस्ट्री की इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होने के बावजूद ये कोई अच्छा गेम नहीं था। साथ ही हितेन ने हिना को लेकर ये भी कहा है कि वो टॉप 3 में भी नहीं होंगी। अब यूं तो घर से जो भी बेघर होता है तो हर कोई यही कहता है कि हिना टॉप 3 में नहीं होंगी और खुद हिना के दोस्तों ने भी उनको लेकर यही कहा है। अब जहां बात करें अगर शिल्पा शिंदे की तो हितेन ने शिल्पा को लेकर भी कुछ ऐसे ही बयान दिए हैं जहां हितेन ने शिल्पा को भी फेक कहा है और उन्होंने कहा है कि दोनों ही गंदा गेम खेल रही हैं। साथ ही हितेन ने ये भी कहा है कि विकास की कॉम्पिटिटर अगर घर में कोई है तो वो है शिल्पा शिंदे और हितेन के मुताबिक हिना और शिल्पा ही है जो घर में डर्टी गेम खेल रही है। वेल, घर के सबसे सुलझे हुए कंटेस्टेंट ने हिना और शिल्पा को लेकर ऐसा बयान दिया है तो आप ये खुद ही तय कीजिए कि ये कितना सच है और कितना फाइनल कट एंटरटेनमेंट डेस्क। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।